स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन जिसको हिंदी में द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। मटेरियल नाउन किसे कहते हैं, सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखिए। मटेरियल नाउन्स आर द नेम्स, मटेरियल नाउन्स नेम्स होता है ऑफ सब्सटेंसेस मटेरियल्स, पदार्थों का, सब्सटेंसेस और मटेरियल्स यानी पदार्थों का, व्हिच थिंग्स आर मेड ऑफ, जिनसे वस्तुएं बनाई जाती हैं। इनफैक्ट मटेरियल्स नाउन एक प्रकार की ऐसी संज्ञा है जिसमें हम उन पदार्थों का बोध करते हैं जिनसे वस्तुएं बनाई जाती हैं, दैट वी कैन वेट एंड मेजर बट नॉट काउंट, जिसको भी हम वेट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, बट नॉट काउंट, लेकिन गिन नहीं सकते हैं। मतलब मटेरियल नाउन ऐसे संज्ञा है जिसमें ऐसे पदार्थों का बोध होता है जिनको हम नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते हैं। मीन्स मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल होता है। मटेरियल नाउन क्या होता है? अनकाउंटेबल होता है, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स आपको दे रखा है। मटेरियल नाउन्स जो एनिमल्स से प्राप्त होते हैं, जो प्लांट से प्राप्त होते हैं, जो नेचर से प्राप्त होते हैं, और ऐसे मटेरियल नाउन जिनको मैन खुद, मनुष्य खुद ही बनाता है। तो फर्स्ट एग्जांपल आप देखो, मटेरियल नाउन्स फ्रॉम एनिमल्स, ऐसे मटेरियल नाउन्स जो एनिमल से प्राप्त होता है। यहाँ एग्जाम्पल्स में हनी, यग, मीट, मिल्क, सिल्क, लेदर, उल, इटीसी और भी है, मैंने इनका नाम लिखा है। अभी आप देखो, हनी, हनी, हनी बीज से प्राप्त होता है। हनी बीज मटेरियल नाउन नहीं है, लेकिन उससे मिलने वाली हनी जिससे ढेर सारी चीजें बनती हैं, तो हनी क्या है? मटेरियल नाउन है। सेम हम मिल्क को ले लेते हैं, मिल्क मटेरियल नाउन है। मिल्क से ढेर सारी डिशेज बनती हैं, बटर, कर्ड, चीज, घी। सेम सिल्क, सिल्क वर्म से प्राप्त होता है, बट सिल्क वर्म मटेरियल नाउन नहीं है। क्या है? सिल्क मटेरियल नाउन है। सिल्क, सिल्क की साड़ी बनती है, ढेर सारे अदर ड्रेसेस बनते हैं। लेदर, ये भी एक मटेरियल नाउन है, आप अच्छे से जानते हो, लेदर का पर्स, बेल्ट एंड मेनी अदर थिंग्स हम लेदर से बनाते हैं। वुडन क्लॉथ जितने भी बनते हैं सब किससे बनते हैं? ऊन। ऊन क्या है? एक मटेरियल नाउन है जो एनिमल से प्राप्त होता है। सेकेंड मटेरियल नाउन फ्रॉम प्लांट्स, प्लांट से प्राप्त होने वाले मटेरियल नाउन्स को देखो, कॉफी, कॉटन, फूड, ऑयल, वुड, जूट, मेडिसिन, टी, रबर, परफ्यूम, इटीसी। ये सारे के सारे किससे प्राप्त होते हैं? ये सारे के सारे मटेरियल नाउन्स हैं, और सब किससे प्राप्त होते हैं? प्लांट्स। स्पेशली आप देखो कॉटन को, कॉटन रॉ मटेरियल, ढेर सारी जो भी हम ड्रेसेस पहनते हैं मैक्सिमम कॉटन के ही बनते हैं। अब आप देखो वुड, घर के अंदर यूज होने वाले फर्नीचर्स, डोर, विंडोज, सब किससे? वुड से बनते हैं, ठीक है। रबर, स्पेशली एक हम रबर को ले लेते हैं, रबर के आजकल फैशन में ढेर सारी चीजें हैं। तो जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, इनफैक्ट वही मटेरियल नाउन्स होते हैं जिनसे कि ऐसे पदार्थ जिनसे कि हम अन्य दूसरी वस्तुओं का निर्माण कर लेते हैं, जिनको कि हम नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते। अगर हम उनको चाहें गिनना, तो क्या हम गिन सकते हैं? 1 आयल 2 आयल 3 आयल नहीं गिन सकते हैं। स्टूडेंट्स, थर्ड नंबर पे ऐसे मटेरियल नाउन्स हैं जो नेचर के द्वारा डायरेक्ट प्राप्त होते हैं। इसमें क्या है? एयर है, वाटर है, गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, कॉपर है, सैंड है, कोल है, रॉक है, सनलाइट है, रेन है, अर्थ है, साल्ट है, एंड मेनी अदर आल्सो इटीसी। अभी आप देखो, इसमें गोल्ड को आप ले लो, गोल्ड क्या है? एक रॉ मटेरियल है, इससे ज्वेलरीज बनती है, सिल्वर से ज्वेलरीज बनते हैं, इसके अलावा क्वाइंस बनते हैं, मतलब ऐसे पदार्थ जिनसे हम दूसरी वस्तुओं को निर्माण करते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर जो आप सनलाइट को ले लो, सनलाइट क्या है? सनलाइट जो सन से प्राप्त होती है, सन मटेरियल नाउन नहीं है। क्या है मटेरियल नाउन? सनलाइट मटेरियल नाउन है। सनलाइट से हम दूसरी अन्य वस्तुओं को बनाते हैं, जैसे पौधे सनलाइट के मीडियम में फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से अपने लिए भोजन बनाते हैं। सोलर पैनल बनता है, सोलर सिस्टम के द्वारा अन्य तमाम चीजें बनती हैं, ठीक है। अभी फोर्थ नंबर पे आप देखो, ऐसे मटेरियल नाउन्स हैं जो मैन मेड है, मनुष्य के द्वारा बनाए गए, एसिड, अल्कोहल, ब्रिक, सीमेंट, बटर, चाक, घी, इटीसी। अभी आप घी देखो, घी कहाँ से मिलता है? मिल्क से। बटर है, घी है, कर्ड है, ये सब एक और मटेरियल नाउन है। मिल्क
उससे मिलते हैं, बट ये जो बटर है, घी है, कर्ड है, ये मैनमेड मटेरियल नाउन है। सेम आप सीमेंट की बात करो, सीमेंट ये सैंड से बनता है, सीमेंट, और ये मैनमेड है, ठीक है। अभी आप देखो दो इंपॉर्टेंट नोट्स यहां मैंने लिखा है। फर्स्ट, क्या मटेरियल नाउन के साथ कभी भी आर्टिकल्स ए और एन का यूज नहीं होता है। आर्टिकल द का यूज हम करते हैं, बट कब करते हैं, जब कोई स्पेसिफिक विशेष मटेरियल नाउन यूज होता है, ठीक है। दूसरा, कभी भी हम मटेरियल नाउन को प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखते, हमेशा सिंगुलर फॉर्म में लिखा जाता है, और सिंगुलर वर्ड भी इसके साथ यूज करते हैं। अगर जो कहीं आपने देखा मटेरियल नाउन के साथ यस लगा हुआ, तो ये मटेरियल नाउन नहीं है। जैसे वुड्स, वुड, वुड क्या है, वुड मटेरियल नाउन है। अभी थर्ड में आपको मैंने बताया जो प्लांट से प्राप्त होते हैं, बट यस लगा हुआ है, तो इसका मेन जो निकलता है वो क्या निकलता है, फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट तो मटेरियल नाउन नहीं है, कलेक्टिव है। सेम कॉपर्स, वाटर्स, वाटर, वाटर में यस लग गया तो क्या हो गया, वाटर्स, ओशियन हो गया। स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड दैट, थैंक यू।